बिजनौर के चांदपुर में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा जिले की सभी तहसीलों से होकर कल मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी चुनाव के महाभारत की शुरुआत होने वाली है। महाभारत ने हमको एक बात सिखाई है कि हमें सत्य के साथ जाना है या असत्य के साथ, हमें नैतिकता के साथ जाना है या अनैतिकता के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से है, इसलिए सरकार को चुनने का काम भी जनता को ही करना है। बहनों और भाइयों, जब तक रोड नहीं बनेंगे, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे, तो उद्योग कैसे आएंगे? और उद्योग नहीं आएंगे तो जवान लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहली बार योगी जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सामने हमारा पावरफुल इंजन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश को, और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाकर योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में दूसरा डबल इंजन लगा दो, फिर आप शांति से बैठो, केवल देखते रहो कैसे चमत्कार होगा।